यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मंच पर ही मौजूद हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारी स्थानीय शासन के मंत्री माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय विजय शाह जी, हमारे सबके प्रभारी और अपने भाषण से, अपने कर्तव्य से, काम की प्रगति से और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं आपका सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, नरेंद्र पटेल जी माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी माननीय मंत्री नगरी विकास एवं आवास न, इस अवसर पर एक और मंत्री राधा सिंह जी मालवी ग्रामीण पंचायत मंत्री, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर पूर्व अभिन्न मित्र भी है, हमारे नेता हैं। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, आलोक शर्मा जी तो सांसद है ही हमारे, आलोक जी की महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक एक विशेष पहचान रही, एक वर्तमान की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े सभी माननीय महापौरगण, सभी अध्यक्षगण, सभी चुनाव जनप्रतिनिधिगण, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूंगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है, इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगाकर के 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और खास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी, ये जो उसका स्लोगन है ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी, दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है, और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है, हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता। गंधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है, प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना, प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली है, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। मैं आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूंगा, चेचक की बीमारी से बचाने का। ये प्राचीन विधा हमारी थी, जब अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहां ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे, और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका ईजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है
और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे? मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक, जो काढ़ा पिला रहे थे सबको काढ़ा। उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पीकर के ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती। और साथ में हमारे पुलिस जवान सभी प्रकार के मैदान में खड़े रह करके, मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूंगा, आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतों न भविष्य कभी भूल नहीं सकते, कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप के एक आवाज भी आती है, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उनने खुद ने बताया कि वो रोज शंख ध्वनि करते, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन से प्राचीन वाला अपना इतिहास, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं, और जिनके फेफड़े मजबूत है कोविड वोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता है। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयां थी कोविड में, वही तो मार पड़ी थी। और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस के अवसर, वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे कि आप बताए लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की, तो नेता अभी तत्कालीन समय, अभी समय में तो प्रतिपक्ष है, पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को ODS+ का उनने खिताब दिलाया, और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, वो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला, एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरे नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में स्वच्छता के मामले में। मध्यप्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई वाकई वो अद्भुत है, मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है जन औषधि केंद्र, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कई कारणों से, उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का, 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हो। जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा, आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में। जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर उनको तोहफा देंगे, उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले
जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा, सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा, मैं बधाई देना चाहूंगा। एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और हमारे यहाँ तन से मन से हमारे कर्म से सब में स्वच्छता की कामना की जाती है, तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य जिस आधार पर स्वच्छता के महत्व को हम जानते हैं, लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है और आपकी भूमिका बहुत बड़ी। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से, सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं, आपका वो स्थान है। मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं, मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करे, ये बहुत बड़ी बात है मेरी अपनी ओर से। और ये भी बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे, और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का, जिसके बलबूते पर अब ये कई तो देशों की आबादी मिला लो कितने सारे लोगों की, इतना बड़ा ये अभियान है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वो लाभ दे चुके और 3 करोड़ पुनः देने का संकल्प लिया, वाकई ये अद्भुत संकल्प है। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूं। एक घोषणा मैं यहां कर रहा हूं, इस अवसर पर माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1,000 की राशि दी जाएगी, अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1,000, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रूपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम सौगातों के लिए, साथ ही साथ वेदों के ज्ञान के लिए और संस्कृति से हमको रूबरू कराने के लिए। और अब बहुत ही आदर के साथ मैं आग्रह करती हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। घर, अपन गली चौराहा, अपन मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये सबला साफ रखना है। अस्पताल, स्कूल, घर, ये सबला साफ रखना है। ये गंदगी में बीमारी भी फैलते,
और जब से 15 अगस्त 2014 के जब हमर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार लाल किला में झंडा फहराइन और स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान करिन, तब से सबके मन में सफाई के प्रति अवेयरनेस तो आगे से जागरूकता आगे से हमला हमेशा बना के रखना है। ये स्वच्छता अपन आदत बना के रखना है और चूंकि हमारा प्रधानमंत्री जी ला सुन रहा है, मैं फिर से आज के विशेष अवसर में आप सब उपस्थित हुए हो, आप मल्ला विश्वकर्मा जयंती के बधाई शुभकामना देते हुए और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री आवास के जो लाभार्थी हैं और जमन के मकान पूरा होगी से जमन के गृह प्रवेश हुई नहीं नहीं बैठते नीचे मल्ला सब लाभ मैं अपन तरफ से बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बड़ा अवसर है स्वच्छता के लिए, हम एक संकल्प ले और उस संकल्प के साथ व्यवहार परिवर्तन, एक अनुशासन और एक प्रणबद्धता के साथ आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाने के लिए स्वच्छता संकल्प वाचन का कष्ट करेंगे। तो देखिए अभी संकल्प भी दिलाया जाएगा और ये अपने घर का सपना पूरा करते हुए आप देखिए कि अभी हाल ही में सुना है आपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जिन्होंने हितग्राहियों को आवास दिया है और आज ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज दाहिना हाथ आगे कर लेंगे, सबला स्वच्छता के शपथ लेना है तो अपन अपन दाहिना हाथ आगे कर ले और मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ में गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि
स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया। मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस ऐतिहासिक पल जिसमें हम